प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासादिपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयस। परीक्षा मुख सूत्र आचार्य माणिक्य नंदी की न्याय की सांगोपांग कृति, जिसको आधार बनाकर आगे प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड जैसी गंभीर टीकाएं हुई। इसके तीन अध्यायों पर हमने चर्चा करी, जिसका विषय प्रमाण, प्रमाण के भेद प्रभेद, प्रत्यक्ष परोक्ष, उनका स्वरूप हमने देखा। चौथे अध्याय में प्रमाण के विषय की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। पहला सूत्र हमने सुबह देखा था, उसके कई सारे बिंदु भी हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स हुए स्वर्णिम? कितने? छः तो नहीं, ज्यादा ही हुए। नौ तो ठीक है, छः ही हुए। आपने सबको छः में ही डाल दिया? ठीक है, चलो। उसमें मैंने अंतिम एक महत्वपूर्ण बात कही थी। मैंने कहा था कि वैसे विषय के अंतर्गत नहीं आता वो आपने, लेकिन वैसे ही विषय छिड़ गया था तो बात बीच में मैंने कही थी, कारण शुद्ध पर्याय की। वेरी नाइस। एक विशेष प्रकरण है ये जनागम का, जिसमें ध्रुव के ही दो अंश बनाए हैं। एक को परिणामिक भाव कहा और दूसरे को पर्याय रूप कहा, कारण शुद्ध पर्याय। लेकिन ये दोनों ध्रुव के ही अंश हैं। फिर अंश ऐसे बनाए क्यों? और अंश है इसलिए उसको पर्याय कहा, क्योंकि सर्वम भेदम गच्छति इति पर्याय, जो सर्व प्रकार से भेद को प्राप्त हो सो पर्याय। ऐसी नियम सार की लगभग 13वीं गाथा की टीका में पर्याय की परिभाषा दी है पद्म प्रभु मलधारी देव ने। सर्वम भेदम गच्छति इति पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? जो सब प्रकार से भेद को प्राप्त हो। अभी भेद हुआ सो ही पर्याय हुई, तो भेद मतलब अंश उसका बना। अभी वैसे कोई ज्ञान गोचर नहीं है ये हमको, उसका कोई अंश, लेकिन फिर भी फॉर इमेजिनेशन इसलिए बनाया क्योंकि सामने वाले को ये लगता है आपने पर्याय को उड़ा दिया, पर्याय को उड़ा दिया। तो ठीक है, पर्याय शब्द को तो रखा, लेकिन फिर पर्याय के वो पर्याय को नहीं रखा उत्पन्न ध्वंसी को, रख भी नहीं सकते ना, क्योंकि शुद्ध ने के आश्रय से निश्चय नया सिदा पुनः मुनिनो पावंती निर्वाणम। निश्चय ने के आश्रय से ही निर्वाण की प्राप्ति कही है। तो वो निश्चय ने का आश्रय त्रिकाली ध्रुव है, स्थाई है, तो पर्याय आ भी नहीं सकते। अनादिकाल से पर्याय दृष्टि में रखी है तो उसका फल जीव ने दुख भोगा है, इसलिए पज्जे मूढ़ा ही पर समाया ऐसा कहना पड़ा। तो पज्जे में जो मूढ़ है वो पर समय है, तो कहना तो पड़ेगा ना। जो ध्रुव में मूढ़ है, अब मूढ़ तो नहीं कह सकेंगे, जो ध्रुव में जिनका झुकाव है वो स्व समय है। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ आगे के बिंदु और लिखेंगे, दो तीन बिंदु और चलेंगे इसी सूत्र के। ये सूत्र का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि कुछ मत वाले ऐसे हैं, कुछ मत वाले ऐसे हैं जो वस्तु को सर्वथा सामान्य रूप मानते हैं, कुछ मत वाले ऐसे हैं जो वस्तु को सर्वथा विशेष रूप मानते हैं, कुछ मत वाले ऐसे हैं जो सामान्य को भी मानते हैं, विशेष को भी मानते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग मानते हैं। देखिए, अलग अलग वस्तु तो हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन वे तो प्रदेश अपेक्षा से ही जुदी वस्तुएं मानते हैं, बस इतना सा कहना है। समझ में आता है? इन तीनों का निराकरण करने के लिए इस सूत्र का उद्भव हुआ, जिसमें यह कहना पड़ा
कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ना कि अकेले सामान्यात्मक, ना कि अकेले विशेषात्मक, ना कि सामान्य और विशेषात्मक अलग अलग है। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न नहीं है ये, किसी अपेक्षा से है तो अलग अलग, स्वरूप अपेक्षा से अलग अलग है, प्रदेश अपेक्षा से अलग अलग नहीं है। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आपने सुना होगा द्रव्य गुण पर्य वस्तुएं तो तीनों है, लेकिन ये तीनों मिलके भी एक वस्तु के अंश है। क्या बोला? ये आपने सुना होगा द्रव्य स्वतंत्र सत, गुण स्वतंत्र सत, पर्याय स्वतंत्र सत, ऐसा होने पर भी ये तीनों सत एक ही सत के अंश है। तीनों सत है स्वतंत्र, द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन तीनों स्वतंत्र सत कोई ऐसे थोड़ी है कि गुण अलग था खड़ा, द्रव्य अलग था खड़ा, दोनों का समवाय संबंध और दोनों जुड़ गए। दोनों स्वतंत्र सत भी उनकी स्वाधीनता कितनी कितनी कि प्रदेश अपेक्षा से भिन्न नहीं होते। ये समझ में आता है क्या? प्रदेश अपेक्षा से भिन्न को तो अपन द्रव्य कहते हैं अपने यहां, और हर द्रव्य तो तत्व होता है, लेकिन हर तत्व द्रव्य नहीं होता। समय पकड़ रहे मेरी बात को? तो एक तत्व जैसे सातों तत्व एक द्रव्य में, दो द्रव्य में घटित हो सकते हैं। एक द्रव्य में तो घटित होने से रहे क्योंकि अजीव तत्व तो पर द्रव्य है, तो बाकी के पांचों तत्व पर्याय रूप वे तो जीव में भी लागू होंगे, पुद्गल में भी लागू होते हैं, आश्रवण संबंध जरा मोक्ष ऐसा। तो सात तत्व कोई सात द्रव्य थोड़ी है, ये तो दो ही द्रव्य में समाहित है ये सब पूरा, ऐसा है ये सब। तो ऐसा कौन है हम देखते हैं अभी, जो वस्तु को सर्वथा सामान्य रूप मानता है, सर्वथा विशेष रूप मानता है, और दोनों को मानते हुए भी दोनों को भिन्न भिन्न मानता है। मैंने भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया क्योंकि भिन्न भिन्न ये प्रदेश की पृथकता को दर्शाता है, और अन्य अन्य ये स्वरूप के अलग अलग पने को दर्शाता है। पृथकता इज इक्वल टू भिन्नता इज इक्वल टू प्रदेश का डिफरेंस, और अन्य अन्यता यह स्वरूप की स्वरूप का अलगपना। प्रदेश तो एक ही बने रहेंगे। समझ में आता है? मैंने आपको कभी लिया होगा जैसे दो गुण, बोलो दो गुण का अलगाव वो भिन्नता नहीं कहलाती, वो अन्यता कहलाती है। समझ रहे आप लोग मेरी बात को? बाहरी किसको जा रही है बात? ज्ञान और दर्शन क्या है? अन्य अन्य है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता, लेकिन भिन्न भिन्न नहीं कहेंगे उनको। ये पूरा प्रवचन सार की विषय वस्तु है, 107-8 नंबर की गाथा है पूरी, इसकी विषय वस्तु है। अभी उसका प्रकरण नहीं देखना है। तीनों का खंडन है ये बात पक्की है इस सूत्र में। सर्वथा सामान्य रूप कौन मानता है वस्तु को? सांख्य लोग वस्तु को सामान्य रूप ही मानते हैं। कैसे मानते हैं? थोड़ा ए भाई थोड़ा बचके रहो दोनों, है ना, थोड़ा बचके रहो दोनों। तुमने अपने क्यों नहीं, मैं तुम्हें फिर एक इशारा करूंगा गंजी हो सकेगी, बिल्कुल कसम कसम से कह रहा हूं मैं। तुम इज्जत से करो, फिर मैं एक को एक पर करूंगा फिर वो नाराज हो जाएगा, लेकिन फिर सफाया हो जाएगा। वो एक कौन होगा सौभाग्यशाली देखेंगे अपन। मुझे कहने की नौबत नहीं लाओ फिर से, है ना। चलो कहां तक आया मैं? सांख्य मत वाले कैसे मानते, कोई बताएगा वस्तु को सामान्य रूप सर्वथा सामान्य रूप? सांख्य मती क्या मानते? वो सांख्य मती वस्तु को अद्वैत रूप मानते हैं। वे हम सब एक है कहते हुए, जो हमारी महासत्ता का विषय है वही उन्होंने सर्वथा माना है। पकड़ रहे सर मेरी बात को? क्या क्या बोला? अद्वैत ब्रह्म कहते ना, अद्वैत हम सब एक है कह रहे, हम सब अंश है बस एक के ही, बस ये सामान्य कोई मानने वाले हैं। अलग अलग थोड़े अपना अलग अलग, हम सब एक है, हम सब एक है, एक एक ही है कहते हो सामान्य। किसी प्रकार का विशेषपना में मानते नहीं एक का दूसरे में।
अरे किसी का संसार मोक्ष कैसे सिद्ध होगा, फिर सुख दुख कैसे सिद्ध होगा? तो सांख्यों का खंडन हो गया, अद्वैत वालों का, जो अद्वैत मतलब एक सामान्य मानते अपने महासत्ता, जिसको और एक शब्द दिया सादृश अस्तित्व, नयों में बोलो, वेरी नाइस, संग्रह नय का विषय, संग्रह नय का विषय, संग्रह नय का विषय क्या था, संग्रह नय का विषय क्या है, सन्मात्र, ये संग्रह नय का विषय है। सन्मात्र अपने पिछले साल देखा तत्व और सूत्र में भी, क्या संग्रह नय का विषय क्या, सन्मात्र, सत्ता मात्र, सत, इसको महासत्ता कहते हैं। इसलिए मैंने तब भी प्रयोग किया होगा, कई दफे प्रयोग किया होगा, अपनी ही साधर्मी है सब, ऐसा नहीं है। तो श्वेतंबर भी तो साधर्मी है, नहीं इतनी सी बात नहीं कहनी है मुझे, और आगे कहने बोलो, मुसलमान ही साधर्मी है ऐसा नहीं कहना है मुझे, अभी क्या कहना है बोलो, कोई भी बोल के दिखाओ। अरे ये खंबा खड़ा है ना, ये और अपन भी साधर्मी है, ये कैसे साधर्मी है आपने, अरे साधर्मी सहधर्मी, समान धर्म वाले, क्या समान धर्म है इनमें, सत्ता, वे भी है और अपन भी है, सब है, 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 है सब में, तो है सबका कॉमन निकाला, ये सामान्य सत्ता हमने माना, लेकिन हमारी सामान्य सत्ता ये अवांतर सत्ता सापेक्ष थी, समझ में आता है, हमारा सादृश अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व सापेक्ष था। कितने जन पकड़ रहे बात को, हाथ ऊपर चाहिए जितने जन फॉलो कर रहे बात को, आप लोगों ने पिछले साल नए चक्कर पढ़ा है ना संजय जी के मुख से, बस उसमें तो पूरा सात नए की बात आई थी, और मैंने 2-3 घंटे आपको लिए थे सात नए के, आपको याद आ रहा है, 1 साल होने को है अभी तो, इसको अभी तो 1 साल होने को है इसको, पहले अध्याय का अंतिम सूत्र लिया था मैंने। चलो कहां तक आए, हमारे संग्रह नय का ही एकांत करने वाले ये सांख्य है, सामान्य कोई मानते हैं, हमारे व्यवहार नय का ही एकांत करने वाले कौन होंगे फिर जो किसी प्रकार का कोई साम्य नहीं मानते, फिर ये बौद्ध वाले अपन कह सकते हैं ऐसा, तो होगा और भी ऐसा कोई होगा, और कहना हो तो फिर आगे पीछे के पर्याय का भी संबंध नहीं, ये ऋजु सूत्र नहीं एक है, समझ में आता है, कोई संबंध ही नहीं, फिर आगे के पर्याय पीछे के पर्याय भी, उसमें भी एक पना कुछ नहीं देखते हुए, तो कुछ किसी अपेक्षा से कोई समानता नहीं, तद्दन जुदा। सुनो सुनो, मैंने एक बार कहा था आपको, यदि हम संग्रह नय का एकांत करते हैं तो सांख्य मत खड़ा होता है, ऋजु सूत्र नय का एकांत करते हैं तो बौद्ध मत खड़ा होता है, पकड़ में आया अभी, ऋजु सूत्र नय का एकांत करते तो बौद्ध मत कैसे खड़ा होगा भाई, आदित्य बोलो, दीपक आप बता सकेंगे, प्रश्न प्रश्न बोल सकते हो, अर्पित प्रश्न बोलो, क्या प्रश्न, बौद्ध मत का, बौद्ध मत खड़ा होता है, घास जलती है, राजवार्तिक का उदाहरण है, घास जलती है, ऐसा नहीं बोल सकते मनन, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब जली है तब घास नहीं थी, और जब घास है तब जल नहीं रही है, आटा पिसने जा रहे हैं ये शब्द ही गलत है, जब आटा है तब पिसने की आवश्यकता नहीं, जब पिसा जा रहा है तब आटा नहीं, अब कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, आगे पीछे के पर्याय कोई रिलेटेड ही नहीं, एनी हाउ नॉट रिलेटेड, ये बौद्ध ये बिल्कुल अभी का द्रव्य और आगे के समय का द्रव्य नया ही है, बोलता नया ही है, सर्वथा विशेष 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 रूप मानता है, सामान्य का कुछ भी नहीं मानता हूं, सब समझ में आ रहा है आपको। तीसरा ऐसा कौन है जो सामान्य भी मानता है विशेष भी मानता है और दोनों को भी फिर अलग अलग रखता है, वेरी नाइस, आपने नीचे देखा बराबर, ये वैशेषिक, नहीं नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है,
देखो अपने बहुत टाइम पहले एक चीज पढ़ी थी, उसको फिर से पढ़ना है। 128 पेज लास्ट लाइन देखिए, न्यायिक और वैशेषिक का खंडन किया है, वे सामान्य और विशेष तो मानते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 128 लास्ट लाइन यही का बोल रहे थे ना। तथा वैशेषिक मत में छह तत्व का द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय है, जिसमें सामान्य विशेष मुझे बताना है। ये सामान्य और विशेष को अलग अलग बताते हैं। अभी इसका स्पष्टीकरण पढ़ना था, सामान्य और विशेष का कहां स्पष्टीकरण में देखते हैं। मेरी नई लाइन है, मैंने आज 130 पेज पर है, देखिए देखो। तथा सामान्य दो प्रकार के है, वहां पर तो सत्ता स्वरूप अपर सत्ता रूप है, अपर द्रव्यत्व आदि रूप है। तथा जिनकी नित्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो वे विशेष है, अयुत संबंध संबंध का नाम समवाय है। यह सामान्य अधिक तो बहुत, हाँ देखिए, यह सामान्य अधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा व एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा वो भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में होते हैं। कोई अलग पदार्थ तो है नहीं, समझ में आता है। ये तो एक वस्तु में ही भेद कल्पना से दिखते हैं। ये कितने जन समझ रहे, भेद कल्पना से मतलब वो ज्ञान की विशिष्ट ट्रिक से दिखा। ये सामान्यांश है विशेषांश, ऐसे थोड़ी कि कोई दो अंश है। रजत गेटिंग, तो आगे के सूत्र इसी धारा पर आलंबित है। फिर जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही वस्तु को एक ट्रिक से देखा तो कभी हमको सामान्य दिखा, कभी हमको विशेष दिखा। ट्रिक है वो, तो वो ट्रिक क्या है, भेद कल्पना जिसको कह रहे हैं वो किसी नए के पक्ष है। स्वरूप अलग अलग होने से अलग अलग ज्ञान गोचर भी वे होते हैं। कहां पर पढ़ रहे थे अपन, देखो, ये सामान्य अधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा वो एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा वो भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में होते हैं। किसमें है ये विचार ही में है, ये सामान्य विचार ही में मतलब ज्ञान में ही है। ज्ञान में ये मतलब वस्तु में नहीं है क्या? फिर वस्तु में तो है, लेकिन ऐसे अलग अलग वस्तु भी अलग अलग तो है, लेकिन प्रदेश अपेक्षा अलग अलग नहीं है। प्रदेश अपेक्षा ही अलग अलग होते तो फिर नयन की क्या आवश्यकता पड़ती? वहां पर नयन की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्रदेश अपेक्षा एक हो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, क्यों फॉलो नहीं कर रहे क्या समर्पित? ध्यान नहीं है क्या आपका क्या? अरे ये 6 महीना हो गया अभी, इसको अभी इसको छोड़ो तुम। मैं अभी नई बातें कह रहा हूं, तुम अभी भी इसी में लगे हो। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, एक ज्ञान ने, एक ज्ञान से ही दोनों ने जाना है। तो ज्ञान से दोनों ने जाना है तो दो वस्तु है कि नहीं? अरे ज्ञान ने दोनों को दो रूप से जाना है तो दो तो है ही, लेकिन ऐसी दो वस्तुएं नहीं है जैसे वैशेषिक मान रहा है। कहते हैं दो वस्तु वो तो भेद कल्पना है, इसलिए समझाना पड़ा उसको। कोई प्रदेश अपेक्षा अलग नहीं, वो ज्ञान के बल से वो अलग अलग दिख रहे हैं। है तो अलग अलग, लेकिन प्रदेश अपेक्षा अलग अलग नहीं, किसी अपेक्षा से अलग, सर्वथा भिन्न नहीं, कथनचित भिन्न, ऐसा बोल सकते हैं। ओके ठीक है। 320वीं गाथा याद आ रही है समय सार की, क्या थी? अरे खुश हो, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, किसी भी कारण से खुश तो रहो। देखो 320वीं गाथा के बाद की टीका हम सब ने पढ़ी है कई दफे, भरी सभा में भी, फिर अलग सा भी आपको भी पढ़ी होगी। वो प्रकरण ये है कि हम पूछते हैं मोक्ष किससे होता है, मोक्ष का कारण कौन, तो वहां पर का क्या पारिणामिक भाव है क्या? तो वहां पर एक बात आई थी कि ध्यान देह से कथनचित भिन्न है, यदि सर्वथा अभिन्न कहते हैं, कथनचित अभिन्न है, सर्वथा अभिन्न कहते हैं ध्यान देह को, तो क्या दिक्कत आएगी? ध्यान के नाश से देह का भी नाश होगा, ऐसी बात है वहां पर। जयसेन स्वामी की टीका समय सार 320वीं गाथा के बाद का प्रकरण, क्या बोला अभी बोलो मैंने? रजत भाई बोलो,
ये तो डिसेक्शन की भाषा है पूरी। मेरी भाषा बोले तुम तो बहुत ट्विस्ट कर दे, मेरा माथा चकरा गए। 2 मिनट अपन पॉज लेते चलो। अरे भाई सर्वथा अभिन्न मानने में थोड़ी दिक्कत है। कथनचित अभिन्न है ध्यान और देह, और कथनचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि सर्वथा अभिन्न मानते हैं, एक ही मानते हैं ध्यान देह को, तो ध्यान के नाश में देह का भी नाश होगा। ध्यान तो मिला जाता है, ध्यान तो पर्याय, लेकिन देह तो पारिणामिक भाव अनादिनिदम ध्रुव है, त्रिकाली। सब समझ रहे अच्छे से? इसलिए निहाल भाई जी का एक, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं ना, मैं फैन वैन हूं किसी का, मैं तो एक ऊपरी रूप से बहुत फेमस कोटेशन है उनका जो यहां पर उजागर करने लायक है। ध्यान मेरा लक्ष्य करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? नहीं समझे? ध्यान मेरा लक्ष्य करना हो तो करे, मैं किसका लक्ष्य करूं? मैं तो ध्येय हूं, मैं कोई ध्यान थोड़ी हूं जो मुझे आत्मा का लक्ष्य करना है, ऐसा तुम बोलते हो। कितने जन समझे बात को? मैं ध्येय हूं कि मैं ध्यान हूं? मैं ध्येय हूं, मैं वह हूं ध्यान जिसको लक्ष्य करेगा। मुझे लक्ष्य नहीं करना है आत्मा को, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो लक्ष्य में आने वाला हूं। देह किसके? ध्यान के। ठीक है, मैं तो देह हूं बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सामान्य अधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा वो एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा वो भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में होते, विचार ही में होते मतलब ज्ञान ही के भेद है। कोई अलग पदार्थ तो है नहीं, इसको खोलो, अलग पदार्थ नहीं है मतलब सामान्य और विशेष अलग पदार्थ नहीं, मतलब क्या अलग पदार्थ नहीं है क्या? द्रव्य और पर्याय, द्रव्य हाँ, प्रदेश अपेक्षा अलग, भिन्नता के भिन्नता रूप अलगपना नहीं है, अन्य रूप अलगपना तो है। वैसे द्रव्य गुण परे तीनों को पदार्थ संज्ञा है, हमने प्रवचन सर की सतसिवी गाथा में देखा था, आपको याद होगा, अर्थ संज्ञाओ तीनों को अर्थ संज्ञा है, द्रव्य गुण परे को। चलो ये प्रकरण अपना हो गया। एक मिनट तथा और सामान्य विषय संबंधी कुछ है क्या? आगे नहीं है, ठीक है। आइए दूसरे सूत्र की तरफ अपन बढ़ लेंगे। एक पॉइंट इसमें और बढ़ा दो सामान्य और विशेष का। सामान्य अर्थात अन्वयपना, कॉमन टर्म, कॉमन समानता, अन्वय ये वर्ड जरूर डालो। और विशेष का अर्थ व्यावृत्त। व्यतिरेक बोल रहे क्या आप? प्रवचन सर के अस्सी का तमें अन्वय, अन्वय के विशेषण और अन्वय के व्यतिरेक है, तो व्यतिरेक भी चलेगा। हालांकि प्रकरण संगत व्यावृत्त है, इसकी समस्त टीका में एक पर्टिकुलर व्यावृत्त वर्ड का ही प्रयोग है, और यह प्रयोग क्यों है यह आपको अभी अभी पता चलेगा। तो अपन दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ लेते हैं। चलना है आगे, चलना है आगे। देखिए दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं आपको। देखो यहां पर विशेष का अर्थ क्या है यह थोड़ा विचारणीय बन गया है अपने को। विशेष का अर्थ, सामान्य का अर्थ क्या लेना और विशेष का अर्थ क्या लेना, सामान्य का अर्थ क्या लेना यह समझ में आते ही विशेष का अर्थ क्या लेना यह भी समझ में आने वाला है। क्या यहां पर ऐसा किया जाए क्या कि सामान्य का अर्थ द्रव्य और विशेष का अर्थ गुण? समझ रहे? तो देखिए अपन ये अभी अपन सर्च करेंगे यहां पर सामान्य और विशेष क्या है। सक्षम जैसे आपको पता चलेगा आपको हाथ ऊपर करके बताना है उत्तर। इस प्रकरण में सामान्य और विशेष का अर्थ क्या लिया? जो जैनेतरों के दिमाग में बैठाना हमको जरूरी है वो क्या चीज है, उसी को उजागर किया जाएगा यहां पर। समझ में आता है? जैनियों को जैनत्व का कौन सा पक्ष उभारना है हमको,
कि जैनी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को मानते हैं, तो यहां पर सामान्य और विशेष का अर्थ क्या किया जाए, तो उसको पूरा जैन दर्शन दिखेगा। ये बात है, समझ में आता है? ये आपको अनुमान से कोई उत्तर दे सकता है, यहां पर सामान्य विशेष का क्या अर्थ होगा? बोलो। अन्वय व्यतिरेक ठीक है, लेकिन अन्वय व्यतिरेक मतलब क्या? व्यतिरेक मतलब सुनो, अन्वय मतलब यह वही है, व्यतिरेक मतलब यह वह नहीं है। लेकिन भाई अन्वय यह वही है, यह तो द्रव्य में लागू होगा, यह वह नहीं है, यह तो गुण भेद में भी लागू होता है, पर्याय भेद में भी। मुझे आप स्पेसिफिक बोलो, विशेष में गुण भेद लेंगे, पर्याय लेंगे, क्या लेना पड़ेगा? गुण के पर्याय। प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं मेरा? है तो व्यतिरेक विशेष का, तो व्यतिरेक मतलब यह वह नहीं, भिन्नता मतलब व्यतिरेक, लेकिन विशेषता में गुण लेंगे कि पर्याय लेंगे? देखो गुण कहकर तो द्रव्य कहा तो अपन तो गुणों का पिंड द्रव्य बोलते ही है, लेकिन एक परिणमन अंश उसको कौन उजागर करता? तो इसलिए द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है कहकर द्रव्य ध्रुव पर्याय रूप है यह बताना सामने वाले को जरूरी है। उत्तर मैंने दे ही दिया, अभी वो स्वयं बोलने वाले हैं। वैसे व्यावृत्त का अर्थ, व्यतिरेक का अर्थ क्या लेना? गुण लेना कि पर्याय, ये स्वयं बोल रहे हैं। ज्यादा जरूरी पर्याय द्रव्य पर्याय रूप है कहना है, क्योंकि गुण भी कहते द्रव्य गुण तो भी एक प्रॉब्लम विल अगेन प्रिवेल। व्हाट विल बी दैट प्रॉब्लम? कि डज द ऑब्जेक्ट चेंज परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी, यह हार्ट है पूरे जैनिज्म का। उस अनेकांत की सिद्धि चलनी है, अनेकांत के ही वो स्वरूप को अभी बताया गया पहले सूत्र में, इसी को आगे के सूत्र में कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, मुझे सूत्र कोई पढ़ के दिखाएगा और एक जन संधि विच्छेद करके दिखाएगा, मनन सूत्र पढ़ के दिखाएंगे और पर्व संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। हाँ, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तर पूर्वोत्तराकार परिहारा वाप्ति स्थिति लक्षण परिणाम मेनार्थ क्रियोपत्तेश्च। आप वैसे ही शताब्दी हो बाय नेचर, ये बहुत धड़ाधड़ बोलता है, धड़ाधड़ एकदम, और इसमें भी बहुत ही स्पीड ले लिया इसने, इसलिए एक दो गलती हुई है, इसलिए कह रहा हूं मैं। चलो, दिस क्वेश्चन विल बी पास्ड ऑन अगेन टू अर्पित। बोलो। हाँ, वन्या वन्या क्या ये? तुम देखकर बोलो, देखकर बोलो, ऐसा हवा में। हाँ बोलो। हाँ, गया गया गया, ये भी गया। देखते हैं कौन परफेक्ट बोल के दिखाता है। ये आदिश झटके क्यों खा रहे तुम लोग? मुक्ति पढ़ के दिखाना बेटा। बस ये संयम बोले दिल्ली वाला। हाँ, बस 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 बस, तो बहुत पहले ही अकाल मरण हो गया इसका, तो वहां तक भी नहीं चल पाया ये। देखो मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, देवेश सही पढ़ के दिखा सकता है। चलो ये पढ़ो पढ़ो। हाँ, चलो देखिए ऐसा है, कहां गलती कर रहे सब मैं बता रहा हूं। अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार परिहारा व्याप्ति, व्याप्ति है क्या? सुनो 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 सुनो
वापति बोलना चाहिए या फिर एक्चुअली सूत्र में ही गलत कर दिया इन्होंने, मुझे लग ही रहा था ये वापति। चलो 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 देखो, स्थिति लक्षण परिणामेन अर्था अर्थ क्रियोपपत्तिश्च। अभी इसकी संधि विच्छेद कौन करके दिखाएगा? संधि विच्छेद करनी आती नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई भी करके दिखाए ना, संधि विच्छेद कौन करके दिखाएगा? इतनी तो सब करके दिखाएंगे, अनुवृत्त व्यावृत्त बोलो, तुम बोलो, तुम संस्कृत के मास्टर हो क्या? ये दो चार बार आकर मिला मुझे भाई, मैं मास्टर नहीं हूं। अब बोलो, अरे तुम पहले पूरा करो, अनुवृत्त व्यावृत्त चलो मैं ही करता हूं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर। चलो आदित्य को एक अवसर दिया जाए। हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गए। देखो उपपत्ति है च, देखो श होगा उसका विसर्ग हो जाएगा, उपपत्ति है च, वो कोई खास बात नहीं थी। देखिए अभी इस सूत्र को थोड़ा समझना, महत्वपूर्ण है ये पूरा अध्याय, महत्वपूर्ण नहीं है या आध्यात्मिक है टोटल। यहां पर एक वर्ड आया प्रत्यय, प्रत्यय वर्ड आया, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ क्या होता है भाई? ये व्याकरण के प्रत्यय की बात नहीं है, व्याकरण का प्रत्यय मतलब सफिक्स, एक उपसर्ग होता है वो वाला भी उपसर्ग, मुनियों वाला उपसर्ग नहीं होता है व्याकरण में, और प्रत्यय भी वो ये वाला प्रत्यय नहीं हो व्याकरण में। देखो प्रत्यय, देखो सुनो, यही मुझे पता है, शांत रहो सब। प्रत्यय का प्रॉपर अर्थ होता है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, कुछ हिंट दे रहा हूं। अभी अभी हमने समय सार में देखा था 100 कर्ता कर्माधिकार का प्रकरण, लगभग 120 20वीं गाथा के अगल बगल में 116वीं गाथा का होना चाहिए कुछ, वहां पर यह था कि आश्रव के ये प्रत्यय है, मिथ्यात्व तो अविरति कषाय योग, ये आश्रव के प्रत्यय। याद किसको, याद किसको आ रहा है वो प्रकरण बोलो, मत वो प्रकरण वो किसको याद है कि वो चला भी था ऐसा कोई प्रकरण याद है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहती गंगा में हाथ धो लेने में कोई आपत्ति नहीं, कोई मैं तुम्हारे स्मरण शक्ति का डिसेक्शन करके थोड़ी उस पर क्या मुकदमा ठोक सकता हूं, ये स्टॉक में नहीं था ये तो नई लब्धि में आया, डजंट मैटर। सुनो सुनो सुनो, एक बात तो ये हुई, और प्रत्यय कहां पर आया? मैंने तब वहां पर प्रत्यय का अर्थ समझाने के लिए एक रेफरेंस दिया था, मैंने वहां पर समय सार में जब एक एक मिनट ए सुनो ए बोलो मत, मैंने जब समय सार में पढ़ाया था ये आश्रव के प्रत्यय है, तो उपचार से मिथ्या तो अविरति कषाय योग को ही प्रत्यय बोला था, तो लोग समझते प्रत्यय मतलब मिथ्यात्व आदि प्रत्यय, अरे प्रत्यय मतलब होता है कारण, शाब्दिक कारण की बात है, समझ में आता है सबको? तो वो फिर कारण कौन कौन से वो बात अलग, लेकिन उनको प्रत्यय संज्ञा नहीं है, संज्ञा मतलब वो कोई डिक्शनरी में प्रत्यय का अर्थ वो थोड़ी मिलेगा, ये कहना था। तो मैंने आपको आधार के रूप में बताया था, तत्वार सूत्र में भी प्रत्यय शब्द आया है, मैंने कहा था एक सूत्र है दूसरे अध्याय में, आप ठीक तो बोल रहे हो लेकिन लब्धि प्रत्यंच ऐसा एक सूत्र है, तो वहां पर कहा कि ये कैसे होता है, तो कहते हैं ये तो जातिगत हो सकता है,
सहजता में मिला वाला जन्मजात अथवा कोई तपश्चरण से नया प्रकट कर सकता है। लब्धि प्रत्यंच मतलब तपश्चरण से भी, तपश्चरण के कारण भी ये हो सकता है। अवधि ज्ञान का ही प्रकरण होना चाहिए फिर वो लब्धि प्रत्यंच वाला सूत्र। फिर पहले पहले अध्याय का ही सूत्र बनेगा फिर तो, वो दूसरे अध्याय में नहीं है, फिर पहले अध्याय में बनेगा। अब फिर दूसरे अध्याय का ये सूत्र लब्धि प्रत्यंच, तो फिर ये हाँ तो शरीर का है, तो ये वैकृत शरीर संबंधी है फिर तो, अवधि ज्ञान का विषय नहीं है फिर, अवधि ज्ञान का प्रकरण नहीं है ये। तो वैकृत शरीर कैसे होता है वो प्रकरण है। तो कहते किसी किसी को वैकृत शरीर जन्मजात भी होता है, जैसे देवनारी, और किसी किसी को तपश्चरण से भी मिलता है, विक्रेरिद्धि की तरफ संकेत किया। मुझे तो अभी क्या बताना है संकेत, प्रत्येक अर्थ कारण आप ये सीखना है आपको। नीचे पढ़कर तो आप बता पाएंगे जो जो है वो। अभी देखो यहां पर क्या कह रहे, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्, गोचरत्वात मतलब प्राप्त होता है, गोचर मतलब प्राप्त होना, ज्ञान का विषय होना, प्रत्यय मतलब कारण, कारण के गोचर है, कारण को कारण का विषय है, कारण को प्राप्त होता है, गोचर मतलब प्राप्त। यहां पर केवल ज्ञान गोचर कहते हैं ना, केवल ज्ञान गोचर मतलब केवल ज्ञान का विषय कहो, विषय केवल ज्ञान को प्राप्त ऐसा बोल सकते हैं, प्राप्त इस प्रकरण में। हाँ इंद्रिय गोचर, इंद्रिय के द्वारा पकड़ में आने वाला, तो पकड़ में आने वाला यहां पर तकलीफ क्या हो रही है आपने को, गोचर चर ये गमन के अर्थ में भी और जानने के अर्थ में भी, यहां पर जानने के अर्थ में होता है वो। निशी गोचर, दिवा गोचर होते हैं ना ये। अब ये गोचर केवल ज्ञान गोचर, ये कोई ऐसे गोचर थोड़ी है। तो अभी यहां पर क्या कहना चाहते, यहां पर प्रत्येक क्या लेना, प्रत्येक अर्थ कारण, ज्ञान का कारण कौन होता है, तो ज्ञान ही कारण है। जानने का कारण कौन, तो ज्ञान। तो यहां पर प्रत्येक अर्थ लिया ज्ञान बस। वैसे प्रत्येक का मूल अर्थ क्या, कारण, कारण मतलब करण, करण मतलब साधन, द वे टू नो, व्हाट इज द वे टू नो, नॉलेज बस, दैट्स ऑल। समझे, जानने का क्या जरिया है, ज्ञान बस। तो इसलिए प्रत्येक अर्थ ज्ञान लिया यहां पर। आइए फिर से देखते हैं अपन इसको, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् होने से, अनुवृत्त व्यावृत्त ज्ञान गोचर होने से, समझ में आया, होने से क्या, होने से हेतु दिया जा रहा है यहां पर। हेतु की भाषा समझ में आती है, गोचरत्वात् मतलब हेतु दिया जा रहा है। काय का हेतु दे रही है, अरे पहले सूत्र में जो वस्तु बताई सामान्य विशेषात्मक, उसका हेतु बताया जा रहा है यहां पर। क्या हेतु है, तो हेतु दिया क्योंकि अनुवृत्त व्यावृत्त ज्ञान गोचर है उनका स्पष्ट ही, और अनुवृत्त को हमने सामान्य बोला और व्यावृत्त को हमने विशेष बोला, तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक क्यों है, हेतु क्या है, अनुवृत्त व्यावृत्त होने से बस, अथवा अनुवृत्त व्यावृत्त ज्ञान का विषय होने से। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, अनुवृत्त व्यावृत्त एक तो विषय है, और अनुवृत्त को जानने वाले ज्ञान को अनुवृत्त ज्ञान बोला जा रहा है, और व्यावृत्त को जानने वाले ज्ञान को व्यावृत्त ज्ञान बोला जा रहा है। जैसे द्रव्य को जानने वाले ज्ञान को द्रव्यर्थिक नहीं कहते हैं, द्रव्य दृष्टि कहते हैं, पर्याय को जानने वाले ज्ञान को पर्याय दृष्टि कहते हैं, उसी प्रकार अनुवृत्त को जानने, उस सामान्य के अंश को जानने वाले ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है, अनुवृत्त प्रत्यय, और व्यावृत्त को जानने वाले ज्ञान को क्या कहा जा रहा है, व्यावृत्त प्रत्यय। समझ में आता है, प्रत्यय मतलब ज्ञान इस प्रकरण में, कारण। ओके आगे बढ़ना है, तो कहते हैं वस्तु सामान्य विशेषात्मक क्यों है, तो हेतु दिया जा रहा है क्योंकि, क्योंकि वो अनुवृत्त प्रत्यय का और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होने से। यदि अनुवृत्त प्रत्यय का ही विषय होता
तो फिर सामान्य ही होता ना, फिर कितने जन ने फॉलो किया, कितने जन ने फॉलो किया इसको, तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्या दिक्कत है तुमको, क्यों फॉलो नहीं किया, यड़ाई के क्या है इसमें, समझ रहे जैसा कि बहुत बड़ी बात है कि कोई क्लिष्ट यहां पर, तुम समझ रहे क्या? दो अंश है द्रव्य और पर्य वस्तु के। द्रव्य को देखने वाले ज्ञान को द्रव्य दृष्टि कहते हैं, दृष्टि मतलब ज्ञान, और द्रव्यार्थिक नए भी बोलेंगे तो नए मतलब तो ज्ञान ही होता है ना भैया, और पर्याय को देखने वाले ज्ञान को पर्याय ज्ञान बोला जा सकता है, पर्याय दृष्टि बोले उसको, दृष्टि बोलने लग गए, ज्ञान ही तो है वो। तो उसी प्रकार यहां पर यह कहा जा रहा है वो वस्तु सामान्य विशेषात्मक क्यों है, हेतु दिया जा रहा है इस सूत्र में, कह रहे क्योंकि वो अनुवृत्त ज्ञान का विषय है तथा व्यावृत्त ज्ञान का भी विषय है साथ साथ, साथ ही साथ। तो ज्ञान के दो भेद किए यहां पर, अनुवृत्त ज्ञान और व्यावृत्त ज्ञान। कितने जन समझ रहे, हेतु दिया ज्ञान का, प्रश्न पूछा वस्तु, वस्तु ऐसी क्यों है, तो ये कह रहे क्योंकि ऐसी जानने में आती है, बस ये उत्तर दिया जा रहा है हेतु ज्ञान की तरफ से, ऐसे इस ज्ञान का विषय है इसलिए, समझ में, वो वस्तु रूपी है। हेतु क्या देंगे, ए बोलो अक्षत, तुम भजन गागा कर बोल सकते हो, भजन गागा कर बोलो उत्तर, मुझे कोई आपत्ति ना, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई, बोलो इतनी पूरी पूरी छूट देकर तुमने अवसर छोड़ा है। वो वस्तु देखो, सुनो, वो वस्तु लाल पीली आदि है, हेतु दो, आंख गोचर होने से वो वस्तु मधुर है। अब मधुर तो कर्ण के भी विषय को कहते, मधुर आवाज को भी कहते वैसे तो, और मधुर मधुर उसी को तो कहते, और किसको कहते, स्वाद, स्वाद को भी कहते, ये दिक्कत है, मधुर स्वाद उसको भी कह देते हैं, ठीक है, चलो चलो चलो। तो हेतु वैसा ज्ञान की तरफ से देना पड़ेगा, वो वस्तु दिखाई दे रही है, हेतु क्या, वो वस्तु दृश्य है, हेतु क्या, रूपी, अथवा दृश्य भी कहना, दृश्य भी कहना यहां से ही बनेगा, वो तो रूपी है, कारण आग का विषय होने से, बस ऐसा। वो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, बोलो, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्, बस चलना है आगे, अभी हो तो गए फिर सूत्र, अब आगे क्या बोलेंगे, लेकिन एक अंतिम शब्द है च, च मतलब और एक हेतु है, दो हेतु है, तो ये च और है ना, ये अब जोड़ना है, तो अब क्या कहेंगे, पुरोत्तराकार परिहारावाप्ति। ये मुझे लेना बैठा है क्या तू, मेरी परिहारावाप्ति, ठीक है। अभी क्या क्या शब्द पढ़ा मैंने, एक अंश बोलो, वेरी नाइस, बस 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 बस, इसका भी संधि विच्छेद करते हैं। दूसरा हेतु दिया जा रहा है, काय का हेतु दे रही है स्वर्णिम, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसका हेतु दिया जा रहा है, एक हेतु हुआ। सेकंड हेतु कह रहे कि पूर्व आकार का परिहार और उत्तर आकार की अवाप्ति। संधि विच्छेद समझ में आया, समय आया, पूर्व आकार मतलब पूर्व पर्याय का परिहार व्यय, और उत्तर आकार मतलब उत्तर पर्याय की अवाप्ति। अवाप्ति की संधि विच्छेद अव प्लस आप्ति, आप अव मतलब चौवर से, आप्ति प्राप्ति एकार्थवाची है। अपन जो कहते हैं समाप्त समाप्त, मैंने कभी कहा है क्या यहां पर, मेरे ऐसी आदत थी, अभी तो चार पांच साल की तो बात ही नहीं, मैं तो कहीं जाता ही नहीं कार्यक्रमों में, लेकिन कहीं कार्यक्रम में, कार्यक्रम मतलब कोई ज्ञान के कार्यक्रम हो, संस्कार शिविर, तो मैं तीन चार शिविरों में ऐसा बोला, लास्ट पीरियड में, लास्ट पीरियड में जो एक समापन का कार्यक्रम होता है, तो मैं उसमें जरूर कहता हूँ समाप्त, तो कहते माइक पर आज समाप्ति हो रही है, तो मैं कहता हूँ समाप्ति मतलब क्या,
समाप्ति मतलब खत्म लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है सही बात। तो समाप्त, आप्त मतलब ही प्राप्त होता है। जिन्होंने स्वयं को प्राप्त किया इसलिए उनको भी आप्त कहा, भगवान को आप्त। ये समझ में आता है, आप्त और प्राप्त एक अर्थ अच्छी है। प्रकृष्ट रूप से आप्त ग्रहण करना, उनको आप्त भी इसलिए तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वरूप को ग्रहण किया पूरा, और हमारे भी ग्रहण करने में कारणभूत है। समाप्त का अर्थ क्या, भली भांति ग्रहण करना। शिविर आज 10 दिन से चला है, भली भांति समाप्त हुआ मतलब भली भांति ग्रहण किया हमने उसको, यह अर्थ है उसका। हमारे जीवन में भली भांति आना, खत्म होना ऐसा अर्थ नहीं है समाप्त का। खत्म नहीं, भली भांति प्राप्त हुआ है हमें उसको। जैसे पूजन में कहते ना, क्या क्या है पूजन के अंग, आह्वानन, स्थापन, पूजन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। तो विसर्जन सन्निधिकरण में क्या लिया, भली भांति अपने में ही समा लेना उसको, समाप्ति का यही अर्थ ऐसा सन्निधिकरण के अर्थ में। चलो तो अभी क्या कहा यहां पर, अवाप्ति का अर्थ खोला, अव प्लस आप्ति, पूर्व पर्याय का वे, उत्तर पर्याय का उत्पाद और स्थिति लक्षण परिणामेन। और स्थिति लक्षण और फिर भी बना रहता है इस लक्षण से, इस लक्षण रूप परिणाम से। समझ में आता है सबको, लक्षण रूप परिणाम से, लक्षण परिणाम है ना, परिणाम परिणाम के साथ, ध्रुवता रूप परिणाम के साथ। वैसे परिणाम ये वर्ड ध्रुवता के साथ जोड़ा है क्या अर्थ करने वालों ने, है किसी के भी साथ जोड़े, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं तो तीनों के भी साथ जोड़ सकता हूं उसको। परिणाम ये किसके लिए, तीनों के लिए। मैंने पिछले साल भी आपको बताया था, आपको याद होगा, कलश चले थे आत्मख्याति के 64-65वां, उसमें कलश आया था स्वभाव भूता परिणाम शक्ति स्थित्यत्य विघ्ना पुद्गलस्य, दो कलश है, नहीं याद आ रहे आपको, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। मैंने एक बात कही थी वहां पर, मैंने कहा था परिणाम का अर्थ लोग पर्याय समझते हैं, ऐसा नहीं है, आपको याद आ रहा होगा। परिणाम का अर्थ एक्चुअली मैंने कहा था परिणाम से ही बना है पारिणामिक भाव। एक्चुअली परिणाम संबंधी भाव पारिणामिक, तो परिणाम मतलब पर्याय और पारिणामिक मतलब ध्रुव। ये कोई सोच है क्या, ये समाज सामाजिक, परिणाम से बना पारिणामिक। एक्चुअली ध्रुव को परिणाम कहते हैं, एक्चुअली तो उत्पाद वे ध्रुव तीनों को परिणाम कहते हैं, लेकिन परंतु अपन कहते परिणाम अच्छे रखो, परिणाम अच्छे रखो, लोक प्रचलन में परिणाम का अर्थ पर्याय के रूप में प्रचलित हो गया, लोक प्रचलन में प्रचलित हो गया पर्याय के अर्थ में परिणाम। एक्चुअली वो उत्पाद वे ध्रुव तीनों के लिए हो सकता है, पर्याय ध्रुव दोनों के लिए। मैं अभी कह रहा हूं ना, पारिणामिक यह वर्ड ही परिणाम से बना है, इससे बढ़कर और क्या आधार चाहिए। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, जो स्वभाव है उसी को परिणाम शक्ति कहा। मैंने इतना सारा क्यों खोला, कोई बताएगा। इस प्रकरण में स्थिति लक्षण के साथ परिणाम जोड़ा है, ध्रुव के साथ परिणाम जोड़ा है, चौक न जाना। और देखो फिर या तो यह अपेक्षा ध्रुव के साथ जोड़ा गया है, या तो दूसरी अपेक्षा क्या बोल रहा था मैं, बहुत अच्छा, तीनों के साथ जोड़ा है। लेकिन कदापि यह अर्थ तो कोई नहीं कर सकता, कैसा बोलो, कि मात्र पर्याय उत्पाद और व्यय के साथ लिया हो, ऐसा तब बोलते जब परिणाम फिर पहले लिखा जाता अवाप्ति के तुरंत बाद। इससे यह बात फलित हुई कि परिणाम ध्रुव को लगाया अथवा तीनों को परिणाम किया है। चलना आगे, आगे बढ़ते हैं। परिणति भी एक्चुअली शुद्ध
पंचम भाव से पूजित पंचम परिणति क्या है वो? ये भी नियम सार में वो परिणति या वर्ड भी त्रिकाली ध्रुव के लिए यूज किया। चलो ठीक है, देखिए यहां पर आइए, दूसरा हेतु क्या दिया जा रहा है यहां पर? पहला हेतु ज्ञान की तरफ से दिया, साधन की तरफ से दिया, दूसरा हेतु यहां पर विषय की तरफ से दिया जा रहा है। क्या वस्तु सामान्य विशेषात्मक है? क्यों दूसरा हेतु? क्योंकि वस्तु उत्पाद में द्रव्यात्मक होने से, बस स्थिति परिणामेन अर्थ क्रिया उपपत्तिश्च, उपपत्तिश्च प्राप्त होती, वस्तु ऐसी प्राप्त होती है। किस अर्थ क्रिया रूप वाली? उत्पाद वे ध्रुव रूप अर्थ क्रिया वाले प्राप्त होने से। समझे सब मेरी बात को? मतलब कुल मिलाकर वस्तु सामान्य विशेषात्मक क्यों है, उसके दो हेतु दिए यहां पर। एक तो क्योंकि वो अनुवृत्त व्यावृत्त ज्ञान का विषय होने से, एक, और सेकंड वस्तु उत्पाद वे ध्रुव्य क्रिया अर्थ क्रिया वाली होने से। ये तो वस्तु की तरफ से उन्होंने डाल दिया। ये इतना क्लियर हुआ है? इतना क्लियर हुआ सबको? समय अपना हो गया है, अपन कल देखेंगे। ये तीसरे सूत्र की से आगे बढ़ना है। ओम नमः।